नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन विषय के विषय क्षेत्र पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन EVS एक विषय के रूप में भारत में प्राथमिक कक्षाओं में विगत कई वर्षों से संचालित हो रहा है, यद्यपि इसके स्वरूप में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। यदि एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन कैसे आविर्भाव में आया, हम इसकी चर्चा करें तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 10 वर्षीय विद्यालयी पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 पर, जब 10 वर्षीय विद्यालयी पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 में प्रस्तावित हुई, तब सर्वप्रथम पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया। परंतु यदि आप उस रूपरेखा को देखें तो आप पाएंगे कि उसमें यह कहा गया था कि कक्षा 1 से कक्षा 2 तक यह समन्वित रूप में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में इसे दो अलग अलग खंडों के रूप में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में पढ़ाया जाएगा, के रूप में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 1988 में एक और पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई, लेकिन वहां भी पर्यावरण अध्ययन के विषय का जो स्वरूप रहा वो यही रहा कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में यह समन्वित विषय के रूप में होगा, कक्षा 3, 4 और 5 में ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के दो खंडों को मिलाकर सिखाया जाएगा। परंतु जब 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आई वर्ष 2000 में, तब विद्वानों ने यह चिंतन किया और यह सोचा कि पर्यावरण अध्ययन यदि हम विषय प्रस्तावित कर रहे हैं तो फिर इसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में क्यों बांधा जाए, कि विषय इन सीमाओं से परे होना चाहिए। इसलिए जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 में आई, तब पूरे प्राथमिक स्तर पर इसको समन्वित विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया और कहा गया कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ये एक विषय के रूप में, अलग विषय के रूप में भी नहीं होगा, बल्कि भाषा और गणित के साथ इसका समन्वय होगा, लेकिन 3, 4, 5 में पर्यावरण अध्ययन एक समन्वित विषय के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। और जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की आई, तब इसे और अधिक मजबूत आधार प्रदान किए गए। आज हम पर्यावरण अध्ययन विषय के विषय क्षेत्र के विषय में जो चर्चा करेंगे, उस चर्चा का आधार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ही रहेगी। यदि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के डॉक्यूमेंट को, उसका जो दस्तावेज है, उसका आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे वहां कहा गया है कि बच्चों के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधों को पहचानने और समझने के लिए हमें उनको प्रशिक्षित करना है, साथ ही उनके जीवन के भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामों की अमूर्तता के स्थान पर अवलोकन और सजीव अनुभवों के उदाहरणों के आधार पर हमें उनकी समझ विकसित करनी है। यदि ये प्रारंभिक दो उद्देश्यों को आप ध्यान में देखें तो आप पाएंगे कि पर्यावरण अध्ययन की जो विषय क्षेत्र निर्धारित किया गया है, वह बच्चों के प्राकृतिक परिवेश, उनके सामाजिक परिवेश और उनके सांस्कृतिक परिवेश में जो उनके अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का और विषय क्षेत्र का संगठन किया गया है। साथ ही जो भी विषय वस्तु संगठित की गई है प्राथमिक स्तर पर, उस विषय वस्तु को यदि आप साथ में देखें, आप, अच्छा होगा कि यदि जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं पर्यावरण अध्ययन की, उनको अपने साथ रखें और इस परिचर्चा के साथ साथ उन पाठ्य पुस्तकों में दिए गई विषय वस्तु का विश्लेषण करते चलें, तो आप देखेंगे कि वहां जो विषय वस्तु सुझाई गई है, जो विषय क्षेत्र सुझाए गए हैं, वो अमूर्त विषय नहीं है। उनमें जो उदाहरण है उनमें अमूर्तता का अभाव है, वरन उनमें अवलोकन, अर्थात जो बच्चे चारों तरफ देखते हैं, जिसका उपेक्षण करते हैं, और उनके जो दैनिक जीवन के अनुभव हैं, जो सजीव अनुभव हैं, उनको आधार बनाकर भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये भी कहती है कि यदि सामाजिक आयामों को बच्चों को समझाना है तो सामाजिकता का प्रारंभ परिवार से करिए। इसलिए उसमें लिखा गया है कि परिवार से प्रारंभ करके बड़े परिदृश्य की ओर जाते हुए सामाजिक आयामों के प्रति
बच्चों को उत्सुक बनाने के लिए आपको उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं और संसाधनों का निर्माण करना होगा। यह अपेक्षा आपसे एक शिक्षक के रूप में की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में यह भी कहा गया है कि आपको बच्चों को प्राकृतिक वातावरण के प्रति उत्सुकता जगानी है और उनमें सृजनात्मकता को संपोषित करना है। और जब वहां प्राकृतिक वातावरण की बात होती है तो केवल तथ्य और घटनाएं ही नहीं बल्कि व्यक्ति और समस्त अनुभव उसमें सम्मिलित हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में आपसे यह अपेक्षा करती है कि पर्यावरण के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वह प्रदूषण का मुद्दा है, चाहे वह जल की कमी का मुद्दा है, चाहे वह वनों की कटाई का मुद्दा है, जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं, चाहे वह युद्धों के अंधाधुंध उपयोग का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पर आपको बच्चों में जागरूकता विकसित करनी है। साथ ही अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निर्माण, ये जो मूलभूत कौशल हैं, इनका प्रयोग करते हुए बच्चों को ऐसे खोजी और हस्त कार्यों में आपको संलग्न कराना है जिससे उनके संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक कौशलों का विकास हो सके। आपसे यह भी अपेक्षा एक शिक्षक के रूप में, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, कि आप बाद की अवस्था में जब बच्चे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे वहां उनको जिन तकनीकी और गणनात्मक कौशलों की विकास की आवश्यकता होगी उसके निर्माण के लिए आधार अनुमान और मापन है, तो अनुमान और मापन जैसे कौशलों को विकास करने के लिए आपसे अपेक्षा है कि आप उन पर बल देंगे। साथ ही मानव सम्मान और अधिकारों के संदर्भ में जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, चाहे वह समता का मूल्य है, न्याय की अपेक्षा है, इसके साथ साथ जेंडर है, सीमांतीकरण है, बच्चों और समाज में कुछ वर्गों के दमन से जुड़ी चिंताएं और मुद्दे हैं, उन सब की आलोचनात्मक समझ विकसित करने की आवश्यकता है और ये पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को करना है। यदि पर्यावरण शिक्षण के जो उद्देश्य वहां निर्धारित किए गए, यदि आप उन उद्देश्यों को देखें तो बहुत स्पष्ट तौर पर जिस विषय वस्तु की मैं अभी चर्चा कर रहा था यह आपको वहां दिखाई देगी। जैसे वहां कहा गया है कि बच्चे का उनके वास्तविक संसार से परिचय करवाना, वास्तविक संसार मतलब उनके चारों ओर जो प्राकृतिक परिदृश्य है, जिस समाज में रहते हैं वहाँ का जो सामाजिक परिदृश्य है और जिस संस्कृति से वे आते हैं वहाँ की जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, उस वास्तविक परिवेश, वास्तविक संसार से बच्चों को परिचित कराना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है कि वो बच्चों को इस योग्य बनाए कि बच्चे पर्यावरण से संबंधित मुद्दों और समस्याओं का विश्लेषण कर सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें और उनकी समझ विकसित कर सकें। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का एक और उद्देश्य है, वह उद्देश्य है पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्तियों तथा मूल्यों को प्रोत्साहित करना और सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। जब हम पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्तियों और मूल्यों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं तब पर्यावरण से बच्चे किस प्रकार जुड़ें, किस प्रकार उनके मूल्य पर्यावरण संरक्षण से जुड़ें, किस प्रकार उनकी मनोवृत्तियां पर्यावरण को लेकर सकारात्मक हों, आप ऐसे क्रियाकलापों का नियोजन आप करें, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों में इसकी अपेक्षा भी आपसे एक शिक्षक के रूप में की गई है। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जब पर्यावरण अध्ययन के विषय में आगे बात करती है तो वो कहती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया को खोजने और समझने के लिए आनंददायक खोज में संलग्न करना चाहिए। आनंददायक खोज से क्या तात्पर्य है? आनंददायक खोज से तात्पर्य है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु इस रूप में आप प्रस्तुत ना करें कि उनको वो बोझिल विषय सामग्री लगने लगे। उनको उनकी चारों ओर की दुनिया में खोजने दीजिए और ऐसे खोज के उपकरण ढूंढिए, ऐसे खोज के कार्यक्रम क्रियाकलापों का नियोजन कीजिए जिसमें उनको आनंद आए, उनको लगे कि वो कुछ नया खोज रहे हैं और उनको उनमें आनंद की अनुभूति हो। आनंददायक खोज में मेक लर्निंग वेरी इफेक्टिव एज वेल एज मेक लर्निंग अ प्लेजर एक्टिविटी। आनंददायक क्रियाकलाप बनाइए उसको।
ये रूपरेखा आपसे अपेक्षा करती है कि इस स्तर पर आप बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करेंगे, उनकी सृजनात्मकता को रोकेंगे नहीं। वो जितने तरह से चिंतन करना चाहते हैं, जितने स्वरूपों में किसी वस्तु को प्रदर्शित करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। यही वो आयु है और यही वो विषय है जिसके माध्यम से आप बच्चों की सृजनात्मकता का बहुत बेहतर तरीके से पोषण कर सकते हैं। आपको उनको हस्तकार्यों के अवसर उपलब्ध कराने हैं जिससे कि वो अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष की सहायता से अपने आधारभूत संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक कौशलों का विकास कर सके। क्योंकि जब तक आधारभूत कौशल विकसित नहीं होंगे, तब तक उच्च वर्ग के कौशल, उच्च स्तर के कौशल विकसित नहीं होते। और विभिन्न मनोगत्यात्मक कौशलों और संज्ञानात्मक कौशल जितने भी हैं, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, चाहे वो हायर ऑर्डर थिंकिंग हो, चाहे वो किसी उपकरण को बेहतर ढंग से प्रयोग करने की योग्यता हो, किसी उपकरण के साथ अच्छे प्रयोग के निष्कर्षों को देखने की योग्यता हो, वो कौशल तब विकसित होंगे जब पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय पढ़ाते समय आप इस समय प्राथमिक स्तर पर उनको अवलोकन के अवसर देंगे, उनके अंदर वर्गीकरण के कौशलों का विकास करेंगे, उनके निष्कर्ष में सहायता करेंगे। यदि आधारभूत कौशल आप बच्चों में विकसित करेंगे तो उच्च स्तर के कौशल उनमें निश्चित तौर पर विकसित होंगे। पर्यावरण अध्ययन के विषय में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुत जोर देकर ये बात कही गई है कि इस स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को समन्वित रूप से पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया जाए और स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रखा जाए। साथ ही उसमें कहा गया है कि संपूर्ण प्राथमिक स्तर पर कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, न कोई श्रेणी, न कोई अंक, न कोई रुकावट। इसका अपना निहितार्थ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जब आपसे कहती है कि न तो विज्ञान पढ़ाओ, न सामाजिक विज्ञान पढ़ाओ, उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाओ, अर्थात उसको विषय की सीमाओं में मत बांधो। जो विषय वस्तु आप उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हो वो एक विज्ञान अध्यापक के रूप में भी प्रस्तुत मत करो और एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में भी प्रस्तुत मत करो, बल्कि समन्वित रूप में प्रस्तुत करो। ये जो समन्वय का स्वरूप, समन्वय का प्रस्ताव राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में दिया गया है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही पूरे प्राथमिक स्तर पर चूंकि पाठ्यचर्या में सततता की बात है, तो सततता की वजह से ये कहा गया है कि बहुत ज्यादा औपचारिक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, ना उनको श्रेणी और अंकों में बांटना चाहिए। यदि आप पाठ्यचर्या का स्वरूप देखें, जो विषय वस्तु है पर्यावरण शिक्षण की, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की, उस विषय वस्तु को आप देखें, तो उस विषय वस्तु में आपको कुछ मूलभूत गुण देखने को मिलेंगे। जैसे वहां पर परिदृश्य आधारित शिक्षण की बात है, वहां क्रियाकलाप आधारित शिक्षण की बात है, दैनिक जीवन से जुड़ी विषय वस्तु को रखने की बात है, भाषा कौशलों का विकास पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से हो इसकी बात है, और पर्यावरण और संबंधित मूल्यों का विकास कैसे किया जाए इसकी बात भी पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत की गई है। जब आप पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु को देखते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि वहां पर स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक अंतःक्रिया, इन सबको रटाने का बल नहीं दिया गया है। पाठ्यपुस्तक में यदि ये विषय रखे गए हैं तो आपसे एक शिक्षक के रूप में ये अपेक्षा है कि आप विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इस विषय वस्तु को पढ़ाएंगे। आपकी कक्षा का ऐसा परिवेश नहीं होना चाहिए जहां बच्चों पर कार्य का दबाव हो या कोई तनाव हो। तनाव रहित, दबाव रहित कक्षा में आनंददायक शिक्षण बच्चे करें, आनंददायक अनुभव करें, ये आपसे अपेक्षा है एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते। जब मैं आपसे पर्यावरण शिक्षण के स्वरूप की बात कर रहा हूं तो आपको एक और विषय पर ध्यान देने की जरूरत है कि पर्यावरण शिक्षण का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे जो अध्ययन करें और अधिगम करें वह अपनी व्यक्तिगत गति से करें। इतना लचीलापन आपकी विषय वस्तु में होना चाहिए, इतनी शिथिलता आपकी विषय वस्तु में होनी चाहिए कि शिक्षक की गति शिक्षण को निर्धारित नहीं करेगी, अधिगम को निर्धारित नहीं करेगी, यह शिक्षार्थी की व्यक्तिगत गति है जो निर्धारित करेगी कि कितना अधिगम होगा। बच्चों और शिक्षकों के बीच निरंतर स्वतंत्र अंतःक्रिया के अवसर आपको उपलब्ध कराने होंगे। यदि यह सततता के साथ आप उपलब्ध नहीं कराते हैं तो फिर एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में शायद आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से पीछे रह जाएं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते
आपको अपने बच्चों और शिक्षकों के अपने बीच निरंतर स्वतंत्र अंतःक्रिया के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। आपको आकलन में भी सतर्कता रखनी होगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इस बात को स्पष्ट तौर पर कहती है कि बच्चों का आकलन एक वर्ष के बाद, एक माह के बाद या एक सप्ताह के बाद ऐसे किसी व्यवस्था में नहीं बटा होना चाहिए, बल्कि वो निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए, अधिगम के विभिन्न आयामों का आकलन होना चाहिए, अधिगम के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर आकलन होना चाहिए। वहां आकलन का अर्थ आपसे ये नहीं कहा गया है कि आपको जो आकलन करना है वो आकलन आपको केवल वार्षिक परीक्षा के रूप में करना है, केवल इकाई परीक्षण के रूप में करना है, केवल लिखित परीक्षा के रूप में करना है, नहीं, आपको भिन्न भिन्न कौशलों का आकलन करना है। जब पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में किया गया है, वहां आकलन पर बहुत जोर दिया गया है, और आकलन आपको भाषा बोध का भी करना है। यह उदाहरण है विषयों के समन्वयन का, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन भाषा का विषय नहीं है, लेकिन कोई भी विषय बिना भाषा के पढ़ाया नहीं जा सकता। तो चाहे वो संभाषण कौशल हो, चाहे पठन कौशल हो, चाहे लेखन कौशल हो, चाहे व्याख्या कौशल हो, ऐसे भाषाई कौशलों का विकास भी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के माध्यम से आपको करना है और उनका आकलन करना है, तो आपको आकलन की अलग प्रविधियां अपनानी होंगी। उनकी पठन योग्यता का आकलन आपको करना है, हस्तकार्य करने में उनकी कितनी योग्यता विकसित हुई है, क्योंकि देखिए पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु प्रारंभ से ये कहती है कि पर्यावरण अध्ययन अनुभव की विषय वस्तु है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा कक्ष से परे जाकर अधिक होता है, कक्षा कक्ष की सीमाओं में पर्यावरण अध्ययन कम होता है, क्योंकि वह अनुभव की विषय वस्तु है। आपको उनके समाज, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश, उसका अनुभव उनको कराना होगा। ऐसे हस्त कार्यों का नियोजन आपको करना होगा जब आप पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण करें, विषय क्षेत्र का निर्धारण करें, जो हस्तकार्य उनको स्व अनुभव के अवसर दें, वे स्वयं अनुभव करके सीखें। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मूलतः रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, और रचनावादी दृष्टिकोण में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि विद्यार्थी स्व अनुभव द्वारा, अपने अवलोकन द्वारा, अपने कार्यों द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो आपकी क्या भूमिका है? आपकी एक शिक्षक के रूप में भूमिका है, आप उसको ऐसे अवसर प्रदान करें, ऐसे हस्त कार्यों का नियोजन करें, ऐसे क्रियाकलापों की व्यवस्था करें जिससे बच्चे स्वयं करके सीखें। और आप उसका आकलन कैसे करेंगे? आपको उसके आकलन के लिए भिन्न प्रकार के उपकरण चाहिए। प्रत्येक आकलन इकाई परीक्षण में नहीं हो सकता, प्रत्येक आकलन वार्षिक परीक्षा में नहीं हो सकता, प्रत्येक आकलन लिखित परीक्षा में नहीं हो सकता। समूह में कार्य करने की योग्यता का विकास करना है आपको। पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है, इसको आप यदि देखेंगे और पाठ्यपुस्तक को, जैसा मैंने कहा, आप बराबर में रखकर मेरी चर्चा के साथ साथ उसका विश्लेषण करते चलिए, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे कार्यों में सामूहिक कार्यों की व्यवस्था है। बच्चों को समूह में कार्य करना है, तो समूह में कार्य करने में कौन सी योग्यताएं विकसित होती हैं? नेतृत्व की योग्यता, आपस में विचारों के आदान प्रदान की योग्यता, दूसरे के विचारों को सुनने की योग्यता, दूसरों तक अपने विचारों के सही संप्रेषण की योग्यता, ये जो गुण हैं, ये जो कौशल हैं, इनका आकलन कैसे करेंगे? इनके आकलन की भिन्न युक्ति होगी। तो जब पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का आप निर्धारण करते हैं, और खासतौर पर जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो आपको आकलन में विविधता लानी होगी। इस स्तर पर आप चाहे अवलोकन करें, चाहे उनको वर्गीकरण के क्रियाकलापों में संलग्न कराइए, आप उनसे चित्रांकन कराइए ना, आप उनसे कहिए कि वो अपने आप, उनको जब परिवार का संप्रत्यय पढ़ा रहे हैं, घर का संप्रत्यय स्पष्ट कर रहे हैं, उनको एक क्रियाकलाप दीजिए कि वो एक अपने घर का चित्रांकन करें कि उनके घर में कितने कक्ष हैं, कहाँ किचन है, कहाँ रसोई है, कहाँ बेडरूम है, और उसका एक कागज पर उनसे चित्र बनवाइए। देखिए उनके हस्तकौशलों का विकास भी होगा, वो मानचित्रण के आधारभूत कौशल भी सीख जाएंगे, और घर में कौन कौन से घटक होते हैं उसकी जानकारी भी उनको मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपकी जिम्मेदारी है कि आप आकलन के लिए
किस प्रकार के कौशलों का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूं, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय नहीं है जिसको एकाकी रूप से पढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन ऐसा विषय नहीं है जिसको विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बांध कर पढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान की सीमाओं से परे है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। यदि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जल की विषय वस्तु होती तो उसमें क्या होता? जल का सूत्र, जल के भौतिक और रासायनिक गुण, जल का स्वाद, जल का रंग, जल की रासायनिक क्रियाएं, यही आप पढ़ाते विज्ञान में। यदि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जल एक पाठ होता तो आप क्या पढ़ाते? जल के स्रोत, पेयजल, जल के स्रोतों के किनारे विकसित हुए तंत्र, सभ्यताएं, इनका बड़ा संबंध है। आप देखिए, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जितने भी बड़े नगर बने हैं, सामान्यतः वो जल के बड़े स्रोतों के कारण है। जल का सामाजिक जीवन में महत्व, जल की कमी, और विज्ञान में पढ़ाते जल जनित रोग, तो कुछ विज्ञान में पढ़ाते, कुछ सामाजिक विज्ञान में पढ़ाते। पर्यावरण अध्ययन कहता है सब पढ़ाते, यहीं पढ़ाओ, उसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं से परे लेकर जाओ, अलग लेकर जाओ। इसीलिए जब आप पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन में पाठ का प्रारंभ प्रश्नों से नहीं होता, पाठ का प्रारंभ अनुभव देने से ही हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन, मैं बार बार कहता हूं, अनुभव की विषय वस्तु है। आपको उनको अनुभव कराने होंगे, निरंतर अनुभव कराने होंगे, और यदि आप उनको अच्छे अनुभव कराएंगे तो निश्चित तौर पर आपके विद्यार्थी बेहतर ढंग से पर्यावरण अध्ययन को समझेंगे। मैंने आज की परिचर्चा में ये प्रयास किया है कि आपको ये स्पष्ट करूं कि पर्यावरण अध्ययन विषय को एक विषय के रूप में जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं में समाहित किया गया तो उसके ऐतिहासिक आधार क्या थे, उनको क्यों रखा गया, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इस विषय पर क्यों इतना बल दिया गया है। 1975 की रूपरेखा की जब मैं चर्चा कर रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि 1975 की जो रूपरेखा थी उसने पर्यावरण अध्ययन विषय को प्रस्तावित तो किया, लेकिन उसने कहा कि कक्षा 3 से 5 तक इसको 2 खंडों में पढ़ाओ, एक विज्ञान का खंड हो, एक सामाजिक विज्ञान का खंड हो। अर्थात वहां तारतम्यता नहीं थी, वो प्रारंभिक चिंतन था। 88 की रूपरेखा आई, चिंतन और विस्तृत हुआ। 2000 की जब रूपरेखा आई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 में जब आई, तब ये स्पष्ट कहा गया आपको कि नहीं, आपको इसको समन्वित रूप से सभी कक्षाओं में पढ़ाना होगा। और जब 2005 की रूपरेखा आई तब इसको और विस्तार प्रदान किया गया, इसके आधार विकसित किए गए, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। एक शिक्षक से क्या अपेक्षाएं हैं, इसका विषय क्षेत्र क्या क्या हो सकता है, इसके विषय क्षेत्र का संगठन कैसे हो सकता है। अन्य सत्रों में हम इस पर चर्चा करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र का संगठन किस रूप में किया गया है, और जिन रूपों में किया गया है उनका आधार क्या है, उनको क्यों किया गया है। लेकिन इस सत्र का उद्देश्य यही था, मैं आपको ये बताऊं कि पर्यावरण अध्ययन विषय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में किस प्रकार प्रस्तावित है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में किस प्रकार की अपेक्षाएं रखती है, और पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण होने के नाते आपकी उसमें क्या भूमिका है। मुझे आशा है कि मेरी ये चर्चा आपको पर्यावरण अध्ययन विषय के आधारभूत बिंदुओं को समझने में मदद करेगी, और आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के विभिन्न आयामों की दृष्टि से इस विषय को देखेंगे, समझेंगे और अपनी कक्षा में इसका प्रयास करेंगे। आपने इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।